हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आप सब कैसे हैं? आए हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कटरा की फेमस रेसिपी, और खास है कटरा की डिश भी बहुत फेमस है, ये सबको बहुत पसंद रहती है। और ज़्यादातर पैसों की माता पे यही सब चीज़ें मिलती हैं, राजमा और चावल, जो खाने में बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगते हैं और बहुत ही बढ़िया लगते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने राजमा ले लिया था, 250 ग्राम राजमा ले लिया था। ये मैंने ओवर नाइट भिगो दिया था। और प्लीज़ फ्रेंड, मेरी वीडियो में आखिरी तक बनी रहिएगा, ये आपको वीडियो अच्छी लगेगी, काफ़ी अच्छी लगेगी। चलिए चलते हैं। अब इसके लिए मैंने थोड़ी सी मसूर की दाल भी ले ली थी। इन दोनों को मैंने अच्छे से मिला ली भिगो के। अब इनको मैंने कुकर में पकने के लिए, कुक होने के लिए रख दिया है, जिसे मैंने हल्दी और नमक मिला दिया है, और एक हरी मिर्ची भी इसमें मैंने ऐड कर दी थी। अब कुकर को लगाकर अपन इसे 5-6 सीटी आने तक इसे कुकर पर सॉरी गैस पर रख देंगे। चलिए अब अपन इसकी ग्रेवी की तैयारी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने 2 प्याज ले लिए हैं, जिन्हें मैं मोटा मोटा काट लूंगी। ये प्याज कट कर लिया है। अब ये 3-4 टमाटर ले लिए, इन्हें भी मोटा मोटा काट लूंगी। टमाटर की भी कटिंग कर ली है। अभी इसको मैं प्लेट में रख रही हूँ, अलग अलग से इनको रख देंगे। और ये हरी मिर्ची ले ली है, अब इसको भी काट रहे हैं। कुकर में 4-5 सीटी आ गई है, ये राजमा ये पक गया है, इसके अंदर अच्छा कुक हो गया है इसमें। इसको एक बार चला देंगे अच्छे से। अब ये कढ़ाई रखती है, जिसमें इसकी ग्रेवी बनाएंगे। इसमें मैंने ऑयल डाल दिया था, हींग डाल दी है, थोड़ी सी जीरा डाल दिया है। अब जो जो सब सामान सब काट के रखा है, अब इसके अंदर वो डालेंगे सारा। ये प्याज डाल देंगे इसके, थोड़ी देर के लिए, 5 मिनट के लिए इसे प्याज अच्छे से भूनेंगे, जिससे कि प्याज का कलर भी चेंज हो जाएगा और प्याज भी सॉफ्ट हो जाएगी। प्याज अच्छे से बन गई है, तो टमाटर भी मिक्स कर दिया। एक कटोरी मैंने काजू ले रखा था, वो भी इसी में डाल दिया है। अब इन सबको अच्छे से मिलाएंगे, जिससे इनका कलर अच्छे से चेंज हो जाएगा। ये हम जब भी जाएंगे बेसन भी, तब हम ये वाली डिश जरूर जरूर खाते हैं, क्योंकि ये खाने में काफ़ी अच्छी लगती है। और कटरा में वैसे ही माता पे हर जगह बस यही वाली डिश अवेलेबल रहती है।
ज्यादातर राजमा चावल तो माँ की फेमस रेसिपी है, फेमस डिश है माँ की। माँ की तो बहुत ही अच्छा लगता है माँ का। उसी तरीके से ये मैंने भी बना के ये वीडियो आपके साथ शेयर किया है। बस वहाँ पे प्याज नहीं खाते। अगर आप नहीं चाहो, अगर प्याज चाहो तो प्याज स्किप भी कर सकते हैं, ओनली काजू और टमाटर। हरी मिर्ची की ग्रेवी भी बहुत प्यारी बनती है। ये सारा ग्रेवी मैंने बना रखा था। अब ये मसाला इसका ठंडा हो चुका है। अब इसे मिक्सी के जार में पीस लेंगे इसे अच्छे से बारीक। मसाला अच्छे से पीस के रेडी हो चुका है। मैंने कढ़ाई रख दी है राजमा बनाने के लिए। ये मैंने हींग ऐड कर दी इसके अंदर, फिर से पहले भी डाल चुकी थी बट अब थोड़ी हींग डाली है क्योंकि पहले डाल चुके थे। जीरा ऐड कर दिया, वही सारे बेसिकली मसाले। ये तेजपात का पत्ता इसमें डाल दिया है, लौंग डाल दी थी इसके अंदर, दो तीन लौंग और काली मिर्ची भी थी इसके अंदर, वो भी सब ऐड कर दिया। अब इसको मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर आप भी वैसे भी कभी नहीं अगर नहीं जा गए हो तो प्लीज़ फ्रेंड जरूर जाइएगा वहाँ पे। वहाँ पे बहुत अच्छा फील होता है, बहुत अच्छे दर्शन होते हैं माता मैया के। आप भी जरूर जाइएगा, दर्शन करके आइएगा। ये मैंने सारे मसाले इसमें पीस लिए थे। अब इसको अच्छे से भून लेते हैं मसालों को। ये सारे मसाले अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें थोड़ा लाल मिर्ची भी ऐड करेंगे। हाँ, धनिया पाउडर भी ऐड करेंगे इसमें। और ये सारा मसाला अच्छे से भून के तैयार कर दे हैं। ये मैंने भी मिक्सी के जार को थोड़ा धोने के बाद इस कुकर में ही इसका पानी डाल दिया था, इसलिए राजमा का ग्रेवी इसमें ही डाल दिया था थोड़ा सा, इसलिए वो वाइट वाइट हो गया था। ये पूरा राजमा मैंने इसमें डाल दिया है। मसाला भी ऐड कर दिया है इसमें। अब सारा अच्छे से मिक्स करेंगे। अब इसे थोड़ी देर के लिए ढक के रख दिया है जिससे इसमें अच्छे से खदकी आ जाएगी, इसके अंदर उबाल आ जाएगा। और फ्रेंड्स, आप कहाँ कहाँ से मेरी रेसिपी देखते हैं प्लीज़ बताइएगा। आपके कमेंट मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट्स रहते हैं। अब मैं इसमें सूखे आलू भी बनाने वाली हूँ बट इसका वीडियो मैंने नहीं बनाया है।
आज में से मैं 3-4 आलू निकाल के ले आई थी। अब इसको ही सूखे बनाना है। और सूखे आलू के लिए इसके लिए हरी मिर्ची वगैरह काट रहे हैं, ये छील रहे हैं, इस आलू जो है छील रहे हैं इनको। इधर देखिए सब्जी में भी अच्छी खादक आ रही है। छोटी वाली कढ़ाई में ऑयल भी डाल दिया है। ये देखिए सब्जी अच्छे से बन गई है। देखिए सब्जी बन गई है कितने अच्छे से, कितना अच्छा कलर आया है सब्जी का। आप भी ट्राई कीजिएगा ऐसा, बहुत अच्छी सब्जी बनेगी और आपको काफी अच्छी लगेगी। सब्जी बनी है कितनी टेस्टी, अलग ही दिख रही है, बहुत ही टेस्टी सब्जी है भाई। एक बार खाएंगे तो खाते रह जाएंगे। देख सकते हैं कितनी टेस्टी सब्जी है। चलिए अब चावल बना लेते हैं। अब मैंने ये चावल भिगो दिया था आधा घंटा पहले, अभी मैंने कुकर में डाल दिया है। अभी पानी इसमें ऐड कर दिया। मैंने आधा गिलास करीब चावल लिया था, एक सवा गिलास करीब इसमें समथिंग पानी डाला है। थोड़ा सा इसमें नमक डालूंगी। थोड़ा इसमें घी डालेंगे इसमें, क्योंकि चिकनाई आ जाती है चावलों में तो वो काफी अच्छा लगता है खाने के अंदर। आधा नींबू भी निचोड़ दिया है चावलों में, जिससे बहुत चावल अच्छे एकदम का चावलों का कलर चेंज हो जाता है, चावल बिल्कुल वाइट बन के रेडी होता है। चावलों में 2 सीटी आने का वेट करते हैं। चावल बनके अपने रेडी हो चुके हैं और इसके प्रेशर भी निकल चुका है। देखो कितने बढ़िया चावल बनके रेडी हुए हैं। एक एक चावल अलग खिल के रेडी हो
से एक बार जरूर 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 ट्राई कीजिएगा। आपको इस टाइप की सब्जी बहुत टेस्टी लगने वाली है। आप एक बार बनाएंगे तो आप हमेशा ऐसी ही सब्जी बनाएंगे। काफ़ी अच्छी सब्जी है।